है हमें जीडीपी से जीएनपी में जाना है, तो अब जीएनपी इक्वल्स टू हो जाएगा जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, जीएनपी, हमारी हमारा जो नेशनल इनकम है। एन का मतलब होता है नेशनल, डी का मतलब होता है डोमेस्टिक। तो शुरुआत करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, उससे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि दे लेते हैं, इसको इंट्रोडक्शन कि ये 1857 में रिवॉल्ट हुआ क्यों। तो अगर हम बात करें पहले सर्वप्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो पहले आए थे 15 सालों के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासन में 1600 में आए थे भारत में सर्वप्रथम, क्या 15 सालों के लीज पे आए थे व्यापार करने के लिए। व्यापार क्या, दक्षिण पूर्वी एशियाई के साथ अपना व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जब इन्होंने देखा कि हाँ जो भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं, और इधर एक आपका इंडोनेशिया पड़ता है, इंडोनेशिया के साथ वहाँ मसालों की व्यापार करते थे ये लोग, क्या करते थे पहले सर्वप्रथम, ये जैसे ये भारत हो गया, ठीक है सर, इधर कहीं आपका इंडोनेशिया है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कमी कम कहीं इधर थी, तो पहले ये इधर से ऐसे व्यापार करते थे, ठीक है सर। अगर ये व्यापार करते तो इन्होंने व्यापार में देखा कि ये इंडोनेशिया में जो है भारत का यहाँ से सूती वस्त्र का जो है वहाँ बहुत बड़ा प्रचलन है यहाँ इंडोनेशिया में भारत का। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ से इन्होंने भारत से सूती वस्त्र लिया, सूती वस्त्र लेके इन्होंने इंडोनेशिया में बेचा, और फिर यहाँ से इंडोनेशिया में बेचकर उसी पैसे से इन्होंने मसाला खरीदा और वही व्यापार वही मसाले जाकर अपने देश में बेचे, जिससे इनको काफ़ी मुनाफा हुआ। तो यहाँ इन्होंने एक ट्राइंगल निर्माण किया, एक ट्राइंगल व्यापार निर्माण किया, भारत इंडोनेशिया और ब्रिटिश, ये तीनों ने एक ट्राइंगल निर्माण किया। ऐसे धीरे धीरे इन्होंने अपना व्यापार स्थापित किया। इन्होंने क्या किया कि थॉमस मुनरो के द्वारा इन्होंने जहांगीर के शासन माने दरबार में अपना थॉमस मुनरो को भेजा क्या लेने की, आज्ञा पत्र लेने के लिए कि व्यापार करने की आज्ञा पत्र दें। तो उन्होंने एक फरमान जारी किया 500 का, 500 पैगान का गोलकोंड राज्य में उन्होंने पैगान फरमान जारी किया व्यापार के लिए। तो इन्होंने यहाँ से धीरे धीरे व्यापार शुरू किया, अपना आर्थिक स्थिति मजबूत करते गए। जब इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर ली, त्याग आर्थिक मजबूत इन्होंने पॉलिटिकल कैप्चर करना चाहा। तो पॉलिटिकल कैप्चर करने के लिए इन्होंने 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ बंगाल के नवाब और इनके ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच में। जब यहाँ इनके बीच में युद्ध हुआ तो यहाँ बंगाल के नवाब हार गए। तो इन्होंने बंगाल के नवाब को हरा कर अपना शासन चलाना चालू किया। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, किसानों पर जैसे अस्थाई बंदोबस्त लाए, जिससे किसानों से अधिक से कर मांगने लगे। अब उसके बाद रैयतवाड़ी आया, महलवाड़ी आया, कई प्रकार के कर लागू किए जिससे किसानों और जमींदारों में असंतोष फैला। तो धीरे धीरे हुआ सैनिक स्थापना करने लगे अपने, हाँ शोषण हुआ। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना सैनिक अड्डा बनाने लगे। सैनिक अड्डा क्यों बनाए, सबसे पहले इन्होंने दो नीति लाई थी, एक हड़प की नीति और एक सहायक संधि। हड़प की नीति में क्या करते थे कि अन्य राज्यों को हड़प कर, जिसके पास उत्तराधिकारी नहीं होते थे, जिससे दत्तक पुत्र होते थे, उनके राज्य को हड़प कर अपने राज्य में मिला लेते थे। दूसरा था सहायक संधि। सहायक संधि में इन्होंने राजाओं के साथ सहायता एक की कि मैं आपको सहायता प्रदान करूंगा आपके अपने दुश्मनों से बचाने के लिए। लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य नहीं था, इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो व्यापार रूट था इस पे नेपोलियन का आक्रमण न हो, इसके लिए इन्होंने सहायक संधि कर ली, जिससे कि वो अपने व्यापार को बचा सके, न कि भारतीय शासकों को बचा सके। तीनों ने अपने सैनिक अड्डा कई जगह बनाए। तो धीरे धीरे जो क्या हुआ कि जो पुरानी बंदूकें थी उनमें चेंज आया, नई इनफील्ड राइफल्स लाए, जिसमें क्या हुआ था कारतूस का उपयोग हुआ। कारतूस में क्या होता था कि गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया जाता था, उसको दांतों से काट कर तब उसको हमारे बंदूक में भरा जाता था, जिसका विद्रोह हुआ बैरकपुर में छावनी में सर्वप्रथम। इसको मंगल पांडे को पता चला, धीरे धीरे विद्रोह फैलता गया, उन्होंने विद्रोह किया जिससे उनको फांसी की सजा दे दी गई बैरकपुर में ही। धीरे धीरे ये विद्रोह बढ़ता गया। फिर यहाँ मेरठ में विद्रोह हुआ 10 मई 1857 में विद्रोह हुआ,
जब इन्होंने विद्रोह किया, कई सारे ऑफिसर को मार के यहाँ वहाँ से निकले, और यहाँ दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय का शासन चल रहा था, यहाँ दिल्ली के लाल किले पर पहुँचे। उन्होंने यहाँ पे लाल किले पहुँचने के बाद उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्व घोषित कर दिया कि आप मेरे नेतृत्व करेंगे। अब देखते हैं कि इसके कारण क्या क्या थे, 1857 के विद्रोह के कारण क्या क्या थे। अगर हम सर्वप्रथम इसके कारण की बात करें तो इसमें देखें पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में पॉलिटिकल कारण तो पहला इनका विस्तारवादी नीति, जो कि हड़प नीति और सहायक नीति के माध्यम से हुआ था। इन्होंने अपना धीरे धीरे विस्तार करना चालू किया, पूरे भारत में अपने क्या बोलते हैं उसको, अड्डा बनाने लगे, कार्यालय बनाने लगे, ऑफिस बनाने लगे, जैसे हाँ बम्बई में बनाए अपने, और ऐसे इन्होंने क्या किया, विस्तारवादी की नीति अपना ली, जिसके कारण इनका क्या हुआ कि साम्राज्य बढ़ा, भारतीयों में असंतोष फैलने लगा, राजाओं में असंतोष फैलने लगा, भारतीय शासकों में नाराजगी उत्पन्न हुई कि इनके ऊपर भय उत्पन्न हुआ कि इनके माध्यम से जो ये नीति हड़प की नीति और सहायक संधि की नीति लाए हैं उससे क्या हो सकता है कि हमारे भी राज्य हड़प सकते हैं ये। और दूसरा बात करें इकोनॉमिक कारण, मान आर्थिक कारण क्या थे। आर्थिक कारण में जैसे बंगाल में उन्होंने अस्थायी बंदोबस्त की नीति लाई थी, महलवाड़ी नीति लाए और रैयत नीति लाए। इसमें क्या होता था कि कर वसूलने की अधिक राज्यों से वसूलते थे, जैसे उनको कहा गया था कि अगर आप एक समय सीमा के अंदर कर नहीं दिए तो आपकी जो भूमि है वो अपने भूमि के संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाएगा, संपत्ति कर अधिकार को, वो अधिकार दूसरे किसी को दे दिया जाएगा, जिसके कारण वहाँ के किसानों और जमींदारों में असंतोष फैला। क्यों? क्योंकि जब उनके अपने अधिकार छिन जाएंगे, किसी के अधिकार जब अपने छिन जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि उनके अंदर भावना आ जाएगी कि असंतोष की भावना उत्पन्न होगी, जिसके कारण ये इकोनॉमिक स्तर पर ये विद्रोह हुआ। दूसरा था सोशियो रिलीजियस कारण। तीसरा इसमें क्या था, जैसे उस टाइम भारत में सदियों से चला आ रहा था सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, विधवा पुनर्विवाह, ये सब भारत में नहीं होते थे। अब क्या हुआ, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने पश्चिमी मानसिकता से आए, वहाँ ये चीज़ होते नहीं थे, इसमें उन्होंने सुधार किए, कई सुधार किए, जिसके कारण क्या भारतीय जनता में विद्रोह हुआ कि क्यों भाई। हाँ बोलो बोलो। तीनों में देखो, बता रहे हैं देखो, अस्थाई बंदोबस्त में जो था उड़ीसा, बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में लागू होता है। इसमें क्या होता था कि एक जमींदार को फिक्स कर दिया जाता था, उसमें इस जमींदार को बिचौलिया के रूप में रखते थे, वो किसान जो उपज करता था वो जमींदार कर के रूप में वसूलता था, कर के रूप में जब जमींदार वसूलेगा तो वो उसका शोषण करेगा क्योंकि उसको भी अपना लाभ देखना है। और जैसे मान लो कर का मान लो 60 रुपये ब्रिटिश ने फिक्स किया कि 60 रुपये मुझे कर के रूप में देना है, ठीक है 60 रुपये कर के रूप में देंगे, तो वहाँ क्या किया कि जमींदार जो आए वहाँ पे, उस जमींदार आए तो वो 100 रुपये की मांग करने लगे, ठीक है 100 रुपये की मांग कर वसूलेंगे, लेकिन देंगे कितना, 60 भी ना देंगे, 40 देंगे। अब बोलेंगे क्या कि इतना हुआ है नहीं हमारे यहाँ, कारण बताएंगे कि बारिश कम हुआ, कई कारण देंगे, फिर ब्रिटिश से ही लाएंगे, फिर अगले साल यही करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश ने अपना एक देखा कि ये जो बीज के जमींदार हैं ये अपना मुनाफा कमा रहे थे। अगर उसमें कहा गया था अस्थाई बंदोबस्त में, अगर आप कर नहीं देंगे, जो कर ये जो निश्चित किया वो नहीं देंगे, तो क्या होगा आपकी जो अधिकार है वो दूसरों को दे दिया जाएगा। दूसरों को दिया कैसे जाएगा, जैसे हमारे यहाँ बोली लगती है, बोली के माध्यम से, जब वहाँ ये बोली लगती थी तो वो जो जमींदार या जो राजा होते थे वो अपने ही नौकर या अपने ही परिवार के लोग को भेजते थे, वो उतने ही रकम में फिक्स करते थे जितना ही बोली रहता था, फिर यही प्रक्रिया कंटिन्यू चलने लगी। जब ब्रिटिश को ये पता चला कि भाई हमको मुनाफा हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो उन्होंने सोचा कुछ भाई खेती होती का होगा दिक्कत,
वर्षा कम हो रही तो इन्होंने मुनाफा नहीं हुआ, तो उनको बाद में जब इसका सर्वेक्षण कराया जमीनों का, फिर बाद में पता चला कि जो बोली लगाते थे वो राजा या जमींदार के ही आदमी होते थे। तो इन्होंने इस व्यवस्था को फिर बंद करके चलाया रैयतवाड़ी। रैयत मतलब होता है किसान। रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी में किसान, इसमें क्या होता था सीधा डायरेक्ट किसानों से कर वसूला जाता था, ठीक है। और तीसरा जो महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी में महल मतलब होता है एक ग्राम, माने एक गांव, ग्राम वो नहीं, माने उसमें क्या होता है एक गांव से राजस्व इकट्ठा किया जाता। अब गांव में किसका किसके पास ये अधिकार होगा, जो गांव का मुखिया होगा, गांव के मुखिया के पास ये अधिकार होगा कि उस गांव से कर इकट्ठा करे, उसके बाद उसको ट्रांसफर करे। तो आगे हो गया, समझ गए, आगे चले। सोशो रिलीजियस, देखो जैसे हमारे यहाँ वैदिक काल में क्या हुआ था कि महिलाओं को अधिक अधिकार थे, महिलाओं को अधिक सम्मान दिया जाता था। जैसे उत्तर वैदिक काल में आते गए महिलाओं के सम्मान में गिरावट आती गई, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आ गया आपका मध्यकाल, मध्यकाल में हुआ कि महिलाओं की स्थिति एकदम गिरावट में आ गई थी, उनको पर्दा प्रथा, सती प्रथा, ये सब कुरीतियों में घेरा गया। जब इन्होंने ब्रिटिशर ने इनमें सुधार करने की कोशिश की, तो जैसे हिंदू और मुस्लिम जो कुरीतियाँ थी उनके जो इष्ट थे, जो जैसे पुरोहित हो गए, मुलेमा हो गए, उनको लगा कि ये हमारी शक्तियों को कम कर रहे हैं, दूसरे कारण इन्होंने विद्रोह किया। दूसरा आर्थिक का अगर सोशल रिलीजियस कारण देखोगे तो इसमें एक था जैसे ईसाई मशीनरी को बुलाया गया था कि यहाँ में आके भारतीयों का धर्म परिवर्तन करो। एक लेखक, लेखक याद नहीं, लेखक थे, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि जेलों में ईसाई जो कैदियों को बंद करते थे, जो विद्रोह करते थे उनको बंद करते थे कैदियों को, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि जो कैदी थे उनके पढ़ाने के लिए एक ईसाई अध्यापक रखे थे, हर दिन एक अध्याय उनको पढ़ाया जाता था ईसाई के लिए। दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण हो गया कि जब इन्होंने पश्चिमी शिक्षा लाई 1835 में मैकाले एजुकेशन आया, सॉरी 1835 में मैकाले शिक्षा नीति आया, इन्होंने जब मैकाले शिक्षा नीति लाया तो उन्होंने सब इंग्लिश करना चाहा, पश्चिमी शिक्षा की, पश्चिमी शिक्षा पे अध्यापन कराने किया। तो उन्होंने जो सोचा कि हिंदू, जो हिंदू परंपराएं हैं और जो अपने यहाँ परंपराएं गुरु परंपरा चलती थी गुरुकुल की, उसको इन्होंने विरोध किया, जिससे क्या हुआ कि भारतीयों के मन में द्वेष उत्पन्न हुआ, इसके कारण विरोध हुआ। और उन्होंने दूसरा सबसे बड़ा कार्य किया कि ये विधवा पुनर्विवाह को वैध कर दिया, जिससे कारण हो गए वैलिड। हाँ, और तीसरा देखें मिलिट्री कारण, जो मिलिट्री कारण में अगर देखेंगे तो भारतीय जो ब्रिटिशर यहाँ थे, जो इतनी भी शासन कर, उसमें 87% भारतीय शामिल थे, 87% इसमें केवल भारतीय शामिल थे। भारतीय तो शामिल थे, उनकी सारी व्यवस्थाएं भारतीय संभालते थे, लेकिन इनके साथ क्या किया जाता था कि उनके साथ व्यवहार उस प्रकार नहीं किया जैसे यूरोपियों के साथ किया जाता था, उनके साथ हीन भावनाएं रखी जाती थी। जैसे समान रैंक के अधिकारी, एक यूरोपीय अधिकारी एक भारतीय अधिकारी हैं, समान रैंक के हैं, उनको यूरोपीय अधिकारियों की अपेक्षा में कम वेतन दिया जाता था भारतीय सैनिकों के। और दूसरा कारण था इसमें कि जैसे उन्होंने एक नीति लाई थी 1805 में, नीति लाई थी भारतीय वस्त्र संहिता करके, इसमें कहा गया था कि भारतीय तिलक, माथे पर जो तिलक लगाते हैं, पगड़ी बांधते हैं, उसे हटाकर टोपी पहनेंगे। जो टोपी होता था उसमें चमड़े की बेल्ट लगी होती थी उसके, उसका लाए। और दूसरा एक था कि जैसे मुसलमानों, वो तो हो गया, वो तो आएगा यहाँ पे तत्कालीन कारण में आपका, ये मैं यहाँ मिलिट्री कारण पे हूँ। उसमें क्या हुआ कि 1805 में जब मिले भारतीय वस्त्र संहिता आया, उसमें कहा गया कि भारतीय जो हैं वो पगड़ी और माथे पे टीका नहीं लगा सकते, उन्हें एक जैसे ब्रिटिशर देखोगे टोपी पहनते थे, उस टोपी में क्या होता था कि चमड़े का बेल्ट होता था, तो जो ये भारतीयों की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाता। और दूसरा जो इसमें मुसलमान होते थे उनको, उन मुसलमानों को कहा जाता था कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते, जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा, जिससे वहाँ पर मिलिट्री का जूझपन हुआ। और दूसरा तत्कालिककरण, इमीडिएट रिजर्व, तो जो इनफील्ड राइफल आया था उसमें क्या था कि नया जो इनफील्ड राइफल आया था उसमें कारतूस का उपयोग होता था, उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी उत्पन्न होती थी, वो भरी जाती थी, जिससे क्या हुआ कि इन्होंने विद्रोह किया
कि भाई हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। तो उन्होंने सबसे पहले इसका विद्रोह मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से किया था, ये कारण था, इमीडिएट कारण ये था। अब इसका देख लें रीजन, क्षेत्र कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ ये हुए उत्पन्न। दुआब वाले क्षेत्र जैसे पंजाब हो गया तुम्हारा, और इधर बिहार, झांसी, ये सब क्षेत्रों में इनका विरोध हुआ। मैक्सिमम तक ज़्यादा अधिकांश नहीं ले पाए, जैसे हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक, और तुम्हारा बड़ी रियासतें जो थी, और एक कश्मीर और राजपूताना, इन्होंने भाग नहीं लिया इसमें। और फेलियर, हाँ हैदराबाद, हाँ हैदराबाद है, मैसूर है, इन्होंने भाग नहीं लिया था। ये सब क्षेत्र थे जहाँ थे। और दूसरा का फेलियर किया जाए, जैसे आपके हो गया सर बिहार हो गया, मेरठ हो गया, बता रहा हूँ, बिहार से कुंवर सिंह हो गए, और लखनऊ से बेगम हजरत महल हो गई, और इलाहाबाद से हाँ तो कानपुर से बता रहा हूँ, कानपुर से तात्या टोपे हो गई, और फिर इधर झांसी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई हो गई, दिल्ली से हो गए बहादुर शाह जफर हो गए, और एक इलाहाबाद का नाम नहीं आता कोई, मुस्लिम मुर्शिद अली खां, ये इलाहाबाद से थे, हाँ ऐसे ही नाम था, मुर्शिद कुली खां की अली खां, वो तो बिहार से थे। हाँ सर, और फेलियर में इसका फेलियर बात करें तो सबसे बड़ा फेलियर था इसमें कि इसमें कई सारे मध्यम वर्गों ने भाग नहीं लिया, जैसे जो इंग्लिश पढ़े हुए इलीट क्लासेस थी वो भाग नहीं लिए, और तुम्हारे व्यापारी अमीर वर्ग और अमीर व्यापारी ये सब ने भाग नहीं लिया। दूसरा था प्रबुद्ध की कमी, कुछ नेता हुए थे जिन्होंने प्रबुद्ध की लेकिन उस रूप से नहीं कर पाए कि उसे विस्तार रूप और दे सके। जी सर, अरे याद नहीं आ रहा नाम, तो याद नहीं आ रहा है। देखो जैसे उसमें मैं कुछ जैसे विद्वान, राजा राम मोहन राय और बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, हाँ और ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे सर, क्या बोलते हैं, विधवा पुनर्विवाह से जुड़े थे। और दूसरा था कि इसमें प्रभुत्व की कमी थी, प्रभुत्व मतलब प्रभावी नेतृत्व की कमी, जैसे हमारे यहाँ कुछ होते हैं कि ज़्यादातर नेताएं शामिल नहीं होते उसमें, प्रभुत्व करते हैं लेकिन उस स्तर पर नहीं करते कि उसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकें। कुछ नेता जैसे रानी लक्ष्मीबाई हो गई, तात्या टोपे हो गए, और नाना साहब हो गए, इन्होंने इसका प्रभुत्व किया लेकिन कुछ हद तक इसका प्रभुत्व किया और ये काफ़ी विस्तार नहीं ले पाया। और इसमें तीसरा कारण था कुछ बड़ी रियासतें हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, कश्मीर और राजपूताना, ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे ये विद्रोह नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता था कि उसके समर्थन में होते थे, ब्रिटिशर के समर्थन में जमींदार वहाँ के, और खासकर भारतीय तो उस राजपूत लोग उसके समर्थन में थे ही, उनके साथ संधि बना के रखे थे, सहायक संधि, कई सारे संधि निर्माण करा चुके थे। तीसरा था इसमें संसाधनों की कमी, जैसे ब्रिटिशर के पास होता था कि संसाधन उपलब्ध होते थे, यातायात था, रेल था, इनके पास ये सब उपलब्ध है, भारतीयों के पास पैसा और आदमी माने मैन पावर, और दूसरा था हथियार की कमी थी जैसा ब्रिटिशर के पास था, नवीन टेक्नोलॉजी हमारे मतलब उसके आधुनिक हथियार जो होते थे वो भारतीयों के पास कम होते थे। भारतीयों के पास क्या होते थे, तीर हथियार, तीर होते थे, धनुष होते थे, यही सब होते थे, उनके पास नवीन हथियार नहीं थे, ये तीसरा कारण होगा। चौथा कारण था आपके पास संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन, टेलीग्राफ हो गया और रेल हो गया, इनके ब्रिटिश के पास अधीन, ये सब क्या होता, ब्रिटिशर्स के अधीन होते थे ना कि भारतीयों के अधीन, तो उनका क्या होता था, ब्रिटिशर अपनी जो आवश्यकताएँ थी उनको अतिशीघ्र पूर्ति कर पाते थे और भारतीय इसकी अतिशीघ्र पूर्ति नहीं कर पाते थे। ये हो गया फेलियर। अब आ जाते हैं बेनिफिट, किसको क्या बेनिफिट हुआ भारत के परिप्रेक्ष्य में और ब्रिटिश के परिप्रेक्ष्य में। भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो एक उद्देश्य साझा हुआ, एकजुट होने का,
एक उद्देश्य साझा के लिए एकजुट हुए। उद्देश्य साझा क्या? अपने अधिकार की लड़ना, स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक एकजुट मिल गया। और दूसरा कार कि राष्ट्रभाव की भावनाओं का बीज उदय हुआ उनके अंदर, कि उस उन्होंने भारतीयों के अंदर क्या हुआ कि राष्ट्रवाद की भावनाएं धीरे धीरे उत्पन्न होने लगी। जब ये सब चीज़ें होने लगी, उनका शोषण होने लगा, जब ये धीरे धीरे रिवॉल्ट अपने व्यापक स्तर पर ले लिया, तो उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना हो गई। एकजुट होने लगे कि एकजुट होंगे तभी किसी बाहरी शक्ति को हम हटा सकते हैं। अगर अगर हम ब्रिटिशर की बात करें, तो ब्रिटिशर में क्या हुआ कि प्रशासन में जो कमियां थीं उसका सुधार करने का अवसर मिल गया। उनको पता चला कि हमारे ये जैसे सैनिक में क्या कमजोरियां थी सैनिक प्रशासन में, और जो भ्रष्टाचार होता था उसमें उसको पता चला। दूसरा कारण था कंपनी शासन था। 1857 तक तो ये कंपनी शासन था, जैसे ही 1857 का विद्रोह हुआ, ये विद्रोह बदल के ताज शासन बदल गया। मतलब अब जो शासन और प्रशासन जो कानून बनेंगे वो सीधा ब्रिटिश से बन के, माने ब्रिटिश पार्लियामेंट सीधा बन के यहाँ भारत में लागू होंगे, ये एक बेनिफिट हो गया। तीसरा था गवर्नर के पद का निर्माण हो गया। हाँ वो गवर्नर ना सर वाइसराय बाद में आए थे सर, बंगाल के पहले गवर्नर बने थे ना, वाइसराय बाद में आए थे। ठीक है, इसको देख लेंगे, अब कंक्लूजन देख लो इसका। 1857 का विद्रोह का जो कंक्लूजन हुआ उसमें क्या हुआ कि भारतीय जनता के अंदर राष्ट्रवाद की भावनाओं को उत्पन्न किया, और जनता में आम जनता को विश्वास में बढ़ावा दिया कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। हो गया कंक्लूजन खत्म 1857 का। पूछो क्वेश्चन पूछो, मेडावल वेस्टर्न सब पूछो। राष्ट्रवाद की भावना कब उत्पन्न होगी? राष्ट्र के देखो ये सब राष्ट्रवाद की भावना पहले से ही थी। ठीक है, जैसे मध्यकाल में भी राष्ट्रवाद की भावना थी। क्यों? जैसे आपके अकबर का टाइम ले लो, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में अधिक से अधिक राजपूत राजाओं ने किया कि और अकबर के साथ संधि की, राष्ट्रवाद की भावना के लिए ही, अपने राष्ट्र के लिए, अपने मातृ के लिए महाराणा प्रताप ने अकबर से युद्ध की, तो वो राष्ट्रवाद भावना नहीं हुई ना, वो शुरू से ही है। जब ये धीरे धीरे यहाँ यह क्या हुआ, जब कुरीतियाँ आ गई, धीरे धीरे सब अपने हित साजने लगे, अपने ही रुको जाओ बोलने दो, अपने ही हित साजने लगे। जैसे तुम ही हो अब, जैसे इस टाइम देखो, इस टाइम क्या होता है कि लोग आप अपना लाभ देखते हैं, ना कि राष्ट्र का लाभ देखते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे लोग अपने राष्ट्र के लिए जब कार्य करेंगे तो वहाँ क्या होता है, राष्ट्रवाद की उदय बोलते हैं उसको। हाँ वो तो है, ऑलरेडी अखंड भारत की चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य तो अखंड भारत की नींव रखे थे भाई। वही चीजें बताया हूँ। के लेखक हैं, बता रहा हूं, यहाँ एक आगे ब्रिटिश क्या करते थे, भारत को क्या बोलते थे, सपेरों का देश, असभ्य लोग। जब इन्होंने अपना ये सब नीति बनाए तो क्या कर रहे थे, नीति बना के अपनी प्रभुत्व को स्थापित कर रहे थे। कि उन्होंने क्या कहते कि ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है आपको सभ्य बनाने के लिए, ये सब जो हमारे यहाँ प्रथाएं थी वो उनको असभ्य मानते थे। जब इसमें सुधार किए, सुधार करेंगे, तो जैसे यही कोचिंग में हो, ठीक है, कोचिंग मान लो कोई कुरूति है, ओजांग सर ने इस पर सुधार किया,
तो जहां से जब सुधार करेंगे इसमें क्या होगा, अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगे, अपनी सॉवरेनिटी दिखाएंगे ना कि ये मैंने किया है। जब कुछ लिखा जाएगा तो इसमें लिखा जाएगा कि ये भारत में आके ये कार्य किए, जैसे भारतीयों को सभ्य बनाया गया। व्हाइट बर्डन थ्योरी कहता है कि भारतीय जो भारतीय थे वो असभ्य थे और मदारी थे, सपेरे लोग थे ये इनको सभ्य बनाने काम और क्या बोलते हैं शिक्षा देने काम भगवान ने हम ब्रिटिशर को दिया है। यही कारण था वो अपना माइंडसेट, वो विकसित माइंडसेट देना चाहते थे कि जो हम दे रहे हैं वो सही है, जो तुम्हारा है वो गलत है। मेन ये था उनका, यही लाभ है ना। आज के टाइम में देखो ना, आज के टाइम में आज राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर में दो पंथ आ रहे हैं, मैं दो तरह के विचार आ रहे हैं, एक राष्ट्रवाद के विचार में और एक पश्चिमी विचार में। ये जो आ रहे हैं अपने माने इंडिया माइंडसेट में, वो क्या करें इससे इकोनॉमिक बूस्ट होगी तुम्हारी, ठीक है, इकोनॉमिक बढ़ेगी। हाँ, जो पश्चिमी कर रहे हैं कि पश्चिमी क्या कर रहे हैं माइंडसेट, पश्चिमी कर रहे हैं कि ये जाति के नाम पे बन रहा है, एक धार्मिक भावनाओं को धार्मिक के नाम धर्म के नाम पे बन रहा है, हिंदू धर्म के नाम पे बन रहा है, धर्म को बंटवारा कर रहे हैं। जब ब्रिटिशर ने भारत को बांटा था तो तीन भागों में बांटा था, द्रविड़ियन, मुगलिस्तान, ऐसे बांटे थे तीन ना। वो चीज़ अपना कंसेप्ट रखना चाहते थे ये, उसी कारण उनका माइंड सेट क्या था कि भारत को जो अखंड भारत था उसको तोड़ के खंड खंड में करना, ये उनका मेन फोकस था। क्योंकि वो जानते थे कि भारत अपनी प्राचीन चीज़ों प्राचीन रीतियों में आ गया, जो प्राचीन जैसे प्राचीन टाइम में 41% GDP का देते थे हम लोग, अगर वो जान गए कि भारतीय अपने जो पुरानी भारतीय थे अपने शक्तियों को जान लेंगे तो वो उनको विश्व में उभरने के लिए विश्व गुरु बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो इससे अच्छा है कि इनकी जो शक्तियाँ हो इनको दबा के रखो, जो हमारे जो हम बोल रहे हैं वही इनको करो, समझे। वहाँ पे को अरे जानती हो, जो यहाँ से जो अंग्रेजी माने वेस्टर्न माइंड से रखते हैं उनको रॉयल सोसाइटी में स्थान दिया जाता है, ब्रिटिश में लंदन में रॉयल सोसाइटी है उसमें स्थान दिया जाता है। और क्वेश्चन पूछ लो, एक ही दिन का मौका है का। क्या पूछा था, उपनिवेश, उपनिवेश, उपनिवेशवाद, देखो उपनिवेशवाद क्या होता है, जैसे तुम्हारे यहाँ तुम्हारा गांव है, ठीक है, मैं सिंपल भाषा में बताऊंगा, ठीक है, तुम्हारा गांव है, मान लो मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, तुम्हारे गांव में आके मैं कब्जा कर लूँ, अपनी कंपनियां स्थापित करूँ, वहाँ के संसाधनों का दोहन करूँ, तो वहाँ संसाधनों का दोहन करके तुम्हारा शोषण करूँ मैं, जो वहाँ का दोहन मैं करूँगा संसाधनों का, जैसे वहाँ का जो खान पीन है जो अनाज है उसका दोहन करूँ और अपने लाभ के लिए उपयोग करूँ, वो चीज़ होता है तुम्हारा उपनिवेशवाद, मतलब किसी दूसरे क्षेत्र में जाके अपना निवेश करना, उपनिवेश मतलब दूसरे क्षेत्र। हाँ, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, जैसे एक मिनट उसको समझाने दो, जैसे शुरू शुरू में क्या हुआ कि सबसे पहले अमेरिका को बनाया गया उपनिवेश, वहाँ के 13 जो कॉलोनी थी उनको उपनिवेश बनाया गया, वहाँ के संसाधनों का दोहन किया गया, फिर अपने ब्रिटिश में ले जाके अपने यूरोप में ले जाके वहाँ विकसित किए, और अमेरिका क्या कर दिए, शोषण कर करके एकदम कमजोर कर दिए। उन्होंने जो 13 उपनिवेश बनाए वो उपनिवेशवाद की निशानी, मतलब वहाँ जाके निवेश किए अपना, वो उपनिवेशवाद होता है। इसीलिए आता है बोस्टन टी पार्टी, बहुत है यार तुम बताएंगे, बताओ तुम्हारा क्वेश्चन समझ में आ गया ना। सोच लो सोच लो। बता रहा हूँ मैं, समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, उपनिवेशवाद क्यों बनाए भारत को, ठीक है, उपनिवेशवाद क्यों, यूरोप क्या है ठंडा प्रदेश है, ठंडा प्रदेश है
उपनिवेश का अर्थ क्या बनाए, क्या चीज? हाँ, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन था, तो वहाँ जब ठंडा प्रदेश है, ठंडा प्रदेश में यहाँ क्या क्या चाहिए उनको सरवाइव करने के लिए? मसाला। मसाला क्या होता है? गर्म चीज़ें। तो भारत क्या कर, भारत में क्या होता था? गर्म मसाले पाए जाते थे, इंडोनेशिया में पाए जाते तुम्हारे गर्म मसाले, तो इसलिए वो उपनिवेश बनाते थे।